हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बेबलोन ब्लॉग्स। आज हम लोग बैंक अकाउंट खोलने के लिए जा रहे हैं बहरीन में आके। अभी मुझे 3-4 महीना हो गया बैंक अकाउंट खुला नहीं। अभी हम लोग बहरीन का लोकल अकाउंट खोलने के लिए जा रहे हैं बीबी के बैंक। बैंक तो अपने रूम के सामने ही है, लेकिन यहाँ पे सिस्टम ये है कि बैंक पे अकाउंट खुला नहीं जाता। अकाउंट खोलने के लिए अलग से उनका ब्रांच है, तो हम लोग वहाँ पे अकाउंट खोलने के लिए ब्रांच है उनका, तो वहाँ पे जाके हम लोग आज अकाउंट खोलने वाला है बीबी के का। तो हरीश भाई और मैं जा रहा हूँ हरीश भाई के गाड़ी पे। हरीश भाई को यहाँ पे बहरीन पे आके 6 साल हो गया, तो हरीश भाई के पास ऑलरेडी बैंक अकाउंट है। नहीं, मेरे पास नहीं है, फिर भी हरीश भाई को भी खोलना है बीबी के में, तो हम लोग दोनों भी जा रहे हैं हरीश भाई के गाड़ी में। हरीश भाई ने 6 साल में गाड़ी वाड़ी ले के मस्त बहरीन में सेटल हो गया। अभी मैं बाकी हूँ, अभी मुझे भी गाड़ी वाड़ी लेना है, बैंक अकाउंट खुलता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा पैसा वैसा कमा के फिर गाड़ी वाड़ी खरीदने के लिए सोचेंगे। और यहाँ पे लाइसेंस बनाने के लिए भी इंडिया का 70,000 लगता है ना हरीश भाई? 70,000 तो लग जाता रहेगा इंडिया का खाली ड्राइविंग लाइसेंस पास हो जाएगा तो। हाँ, वो भी पहला टेस्ट में पास हो जाएगा तो, नहीं तो फिर उसका भी फाइन लगता है और एक्स्ट्रा चार्ज लगाएगा वो लोग। तो अभी देखते हैं बैंक अकाउंट खुल सकता है कि नहीं आज। शायद मेरे हिसाब से आज बैंक अकाउंट खोलेंगे, फिर उसका पासबुक और एटीएम फिर दूसरे दिन देंगे ऐसा लग रहा मुझे। तो फिर आज जाने के बाद फिर नेक्स्ट डे आना पड़ेगा शायद, ऐसा लग रहा है ना। तो लास्ट टाइम मेरे वीडियो पे मेरे दोस्त लोग मुझे कमेंट्स कर रहा था कि वहाँ पे जाने के लिए क्या माइग्रेशन वो क्या पूछता है एयरपोर्ट में, ऐसा पूछ रहा था। तो वो लोग अगर आप लोग विजिट वीज़ा में आते हैं तो आप लोगों को यहाँ का होटल बुकिंग देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ पे रेसिडेंसी का किसी के पास आपके दोस्त लोग यहाँ पे रूम एग्रीमेंट पेपर ऐसा कुछ रेसिडेंसी एड्रेस है तो फिर वो दिखाएगा तो फिर आप लोगों को छोड़ेगा, नहीं तो फिर होटल बुकिंग देखना ज़रूरी है विजिट वीज़ा में आएगा तो। मैं मेरे दोस्त के विजिट मैं तो विजिट वीज़ा में आया था, तो मेरे दोस्त का रेसिडेंसी एड्रेस था तो उसके एड्रेस से आया मैं। तो उसके विजिट वीज़ा में आके यहाँ पे जॉब ढूंढा, फिर 2 महीना तो मैं ऐसे ही रूम पे बैठा था। 2 महीने के बाद जॉब मिला तो फिर जॉब पे ज्वाइन हो गया। अभी हम लोग हरीश भाई और मैं साथ में काम करते हैं। हरीश भाई केरला का है और मैं आसाम का हूँ, तो क्लब में काम कर रहे हैं हम लोग। अभी बैंक अकाउंट खोल के आते हैं, क्लब में देना है अपने को, फिर चलो उधर ब्रांच में पहुँच के फिर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को ये लोग का ब्रांच कैसा रहता है। हेलो गाइस, तो हम लोग यहाँ पे पेट्रोल पंप पे आ गया, गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो हरीश भाई और मैं पेट्रोल डाल देंगे थोड़ा सा। और यहाँ पे पेट्रोल इंडिया का 30 रुपीज़ पर लीटर, सोचो 30 रुपीज़ पर लीटर, यहाँ पे इंडिया में कितना 100 रुपये पर लीटर, तो कितना महंगा हो गया, बहुत महंगा है यार इंडिया में। अभी यहाँ पे 30 रुपीज़ पर लीटर बोलेगा तो यहाँ का 3 लीटर के ऊपर मिल जाएंगे इंडिया। हाँ, 100 रुपये में, 100 रुपये में 3 लीटर के ऊपर मिल जाएंगे इंडिया में। तो हम लोग कितना कर डाल रहे हैं, 2 बीड़ी का, 2 बीड़ी का बोलेगा तो 400 रुपये का डालेंगे हम लोग, कितना मिलेगा रे हरीश भाई? 20-21 लीटर मिल जाएगा, 20-21 लीटर मिल जाएगा। तो फिर 2 बीड़ी बोलेगा तो इंडिया का 400 रुपये का हम लोग पेट्रोल डालेंगे तो 15 लीटर के ऊपर ही मिलेंगे। अगर 400 रुपये का इंडिया में डालेंगे खाली 4 लीटर बस ख़त्म, टैंकी में साला खाली पानी छिटक दो बस ऐसा ही, यहाँ पे 10-15 लीटर मिल जाएगा आराम से। तो पेट्रोल पंप देखा लोग, तो गाइस ये देखो 30 रुपये पर लीटर पेट्रोल अभी हम लोग डाल रहे हैं हरीश भाई की गाड़ी में। ये देखो 30 रुपीज़ पर लीटर बहरीन में, सोचो इंडिया में 100 रुपये पर लीटर, हम यहाँ पे 30 रुपीज़ पर लीटर डाल रहे पेट्रोल। अभी कितना लीटर आएगा अभी मालूम पड़ेगा। तो यहाँ का पेट्रोल पंप ऐसा है आप लोग देख सकते हैं। कितना लीटर हो गया दोस्त? दो लोग, एक बोला था, दो बोला था, दो बीडी, वन बीडी सेवन लीटर ना, 1 BD 7 लीटर बोलेगा तो हो गया आपका 14 लीटर 2 BD में, तो 14 लीटर्स मिल गया 2 BD का।
ये देख सकते हैं आप लोग, बहरीन का पेट्रोल पंप सब अरेबिक में लिखा हुआ है। तो गाइज, 1 BD का 7 लीटर बोलेगा तो कितना हो गया, 1 BD बोलेगा तो इंडिया का 200 रुपया, 200 रुपया में 7 लीटर, और इंडिया में 200 रुपये का 2 लीटर, तो सोचो कितना महंगा है इंडिया में। आप लोग सोचो, यहाँ पे ये रिफाइन करके 30 रुपये में बेचते हैं यहाँ पे, और ये लोग इंडिया में वो लोग कच्चा तेल खरीद के लेके जाता है, उसके बाद इंडिया में रिफाइन करता है। तो खाली रिफाइन करने का और लेके जाने का कितना टैक्स लगाता है ये लोग, 100 रुपया बोलेगा तो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया भाई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बैंक पे, तो दिखाते हैं आप लोगों को बैंक। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गया बैंक पे। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट खोलने के लिए पासपोर्ट ज़रूरी है, उसके बाद वीज़ा कॉपी ज़रूरी है, आपका वर्क वीज़ा, उसके बाद CPR, यहाँ का जो भी CPR का मतलब क्या होता है हरीश भाई? CPR का हमारा इंडिया का आइडेंटी कार्ड है ना, वैसे इधर का आइडेंटी कार्ड है। जो अब यहाँ पे आने के बाद वर्क वीज़ा मिलने के बाद आपको CPR दे देता है वो लोग, तो CPR का ज़रूरी है। और उसके बाद आप जो कंपनी में काम करता है वो कंपनी का पेमेंट स्लिप चाहिए। तो फिर अभी हम लोग बैंक पे पहुंच गया। किधर है बैंक? ओ इधर ही है मेरे सामने, ये देखो, ये BBK बैंक का जो बैंक अकाउंट खुलता है वो ब्रांच है उनका। तो ये अपना गाड़ी, हरीश भाई का गाड़ी, तो हरीश भाई और मैं जाएंगे अभी अकाउंट खुलेंगे, देखते हैं क्या बोलते हैं, अंदर जाके दिखाते हैं आप लोगों को। तो हरीश भाई आगे जा रहे हैं। BBK बैंक, तो अभी हरीश भाई का पहले खोलेंगे, उसके बाद मेरा खोलेंगे। वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बेरिन का राजाओं का फोटो लगा हुआ है। ये आज का इंडियन का रेट है 2.921, बांग्लादेश का 264, पाकिस्तान का 541, फिलीपींस 147, नेपाल 335। वेट, ओके, नंबर मिल गया, थोड़ी देर वेट करने के लिए बोला, बैठेंगे। एक्सक्यूज मी सर, ये BBK इंटर नेट बैंकिंग के साथ ट्रांजेक्शन करेगा तो 1 BD चार्ज लेता है? ओके, अगर मोबाइल बैंकिंग से भेजेगा तो चार्ज 1.3। तो गूगल के रेट से देते हैं क्या सर जी? नहीं होता, गूगल अलग अलग होता है। हाँ ओके, टोकन नंबर 10 कह रहे थे। तो अभी हरीश भाई जा रहे हैं, उसके बाद मैं जाऊंगा। इधर जा रहा है, रोकना। अरे पैसा डाला तू 20 BD? नहीं ना, डालने का जरूरत नहीं है। Send them an email there. We have sent the mandate is not to be the same. The mandate is already sent to the and they have
ये ओरिजिनल कॉपी है सर जी, वापस मिलेगा ना? Thank you. Who is the head of CRU now? Okay, thank you. Thank you, boss. Hello guys, तो finally bank account खुल के हो गया है. तो वो bank person ने बोला कि after 10 days account ready हो जाएगा. तो 10 दिन के बाद अपने को फिर आके अपना account का passbook और ATM card लेके लेने के लिए आना है यहाँ पे. तो फिर 10 डेज के बाद अपना अकाउंट फिक्स हो जाएगा, फिर इंडिया इंडिया में ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम लोग नेट बैंकिंग से अपने अकाउंट से यहाँ से. तो फिर नहीं तो फिर यहाँ पे फाइनेंस कंपनी है जो थर्ड पार्टी है पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, वो लोग ने यहाँ पे दुकान खोल के रखा है. तो वो लोग क्या है, 1.5 BD चार्ज लेता है ट्रांसफ़र करने के लिए. आप उन खुद अपना बैंक अकाउंट रहेगा, खुद नेट बैंकिंग करके खुद ट्रांसफ़र करेगा तो ओनली 1 BD चार्ज लेता है. तो अभी आसान हो जाएगा अपने को पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए. अभी ड्यूटी जाने के लिए लेट हो गया तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी में जा रहे हैं. हरीश भाई जल्दी में गाड़ी चला रहा है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के. 4 बजे ड्यूटी है, अभी 10 मिनट रह गया. तो फिर नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं. थैंक यू, लव यू गाइस फॉर सपोर्ट. वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू, बाय बाय.